और उन्होंने भागने की कोशिश की। इतने ही देर में वो नागिन उनसे बोली, ठहर जाओ, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है बच्चों। और चलिए आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो पहले गूगल प्ले स्टोर ऐप को ओपन कीजिए और कुमा टून्स एप्लीकेशन को सर्च करके उसको इंस्टॉल कर लीजिए। को इंस्टॉल करने के बाद चलिए आइए एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप इसको अलाउ कर दीजिए। ध्यान है आप सभी परमिशंस जो भी पॉपअप आपके में आए उसको अलाउ कर देनी है आपको, वरना कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी एप्लीकेशन में। लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करने के बाद आपको सबसे पहले देखना है कि कौन सा वीडियो रिकॉर्डिंग आपके में सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो इसमें दो टाइप के रिकॉर्डिंग इंजन हैं। यहाँ पे आपको दो टाइप के रिकॉर्डिंग इंजन देखने को मिलेंगे, टाइप वन और टाइप टू। तो पहले टाइप वन से ट्राई कीजिए, ओके करके आप रिकॉर्डिंग पे टैप करेंगे, अलाउ कर दीजिए इसको। यहाँ पे मैं स्टार्ट नाउ नहीं करता हूँ, ठीक है, आपको चेक कर लेना है कि कौन सा आपके लिए वर्क कर रहा है दोनों में से। अभी मैं स्टार्ट नाउ इसको नहीं करता हूँ, स्टार्ट नहीं करता क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो कैंसिल कर देते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग अब स्टार्ट हो जाए तो उसे रोकने के लिए नीचे जो लोअर राइट कॉर्नर में जो क्रोमा टून्स का वाटरमार्क है, आप इसको यहाँ पे आपको टैप कर देना है वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद। ठीक है, अभी वीडियो रिकॉर्ड हुई नहीं क्योंकि मैंने कैंसिल कर दिया था। अब बैक कर यहाँ सेटिंग में आने के बाद आप नीचे जो चेंज लोगो वाला जो आपको बटन दिया गया है इस पर टैप करके आप अपना कोई भी वाटरमार्क इंपोर्ट करा सकते हैं गैलरी से। और आपको हटाना ही है तो कोई भी इनविजिबल ट्रांसपेरेंट आपको PNG फॉर्मेट में इमेज सेव कर लेनी है। साइज कोई भी हो, कम से कम हो, छोटे से छोटा साइज भी इसमें वर्क करेगा। मुझे अपनी स्टोरी के लिए जो कैरेक्टर्स यूज़ करने हैं, मैं डिफ़ॉल्ट वाले जो ह्यूमन कैरेक्टर्स हैं इनको यूज़ नहीं करूँगा। मैं SP ऑप्शंस में गेट कैरेक्टर्स पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं ना, जो अभी अभी मैंने लोड कर रखे हैं, ये चिबी स्टाइल वाले कैरेक्टर्स हैं, मैं इन्हीं को ही यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं टैप कर देता हूँ, मैं आ गया इसके अंदर, और यहाँ पर ये नाम दिया है और ये की कोड दिए हैं, तो इन नाम को और की कोड को कॉपी कर लेता हूँ। नाम तो मैं याद कर लेता हूँ क्या है, और की कोड यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। की कोड कॉपी करने के टाइम पर आपको ये ध्यान रखना है कि स्पेस, जैसे कि इसमें आगे स्पेस आ गया ना, VP के बाद लास्ट में ये स्पेस आ गया, तो ये स्पेस गलती से कॉपी ना हो जाए। अगर यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे या शुरुआत में कुछ स्पेस अगर कॉपी पेस्ट हो जाता है तो भी वो प्रॉब्लम देगा। आप एग्जैक्ट जो सेम कोड यहाँ से स्टार्ट होता है वन से हो रहा है और ये पी पे ख़त्म हो रहा है, आपको सिर्फ इतना लेना है। अभी इसमें स्पेस है मगर मैं इसको ले लेता हूँ, मैं उसमें हटा दूँगा। नाम इसका मैं नोट कर लेता हूँ, मैं ये नाम उसमें पेस्ट कर दूँगा। नेम टाइप करता हूँ, टाइप करता हूँ उस पर, SP_NAA नागिन, ये उसका नाम था। अब की कोड डालते हैं, की कोड जो हमने कॉपी कर रखा है, ये देखिए यहाँ पे शुरुआत में भी काफ़ी स्पेस आया है। मैं इसको हटाता हूँ, स्पेस नहीं है। लास्ट में जो भी स्पेस हमारा कॉपी पेस्ट हुआ है एक बार चेक कर ले रहा हूँ, पी ये था हमारा कोड। ठीक है, इंपोर्ट कराते हैं। देखेंगे आप पीछे कैरेक्टर लोड हो गया है। अगर इसमें कोई भी अगर आप गड़बड़ करते हैं तो ये प्रॉब्लम देगा, एरर देगा। और ध्यान रखिए कि एक कैरेक्टर, सेम कैरेक्टर है जो की कोड है, उसको आप दूसरों में सेम ही यूज़ मत कीजिए, आपको दूसरा कैरेक्टर ही आप लोड करा सकते हैं। दोस्तों, कहानी में एनिमेशन के साथ साथ वॉइस ओवर की भी ज़रूरत पड़ती है, तो आप चाहे वॉइस ओवर अपना पहले से तैयार रखें और फिर उसके अकॉर्डिंग एनिमेशन बनाएं, या फिर आप पहले से ही एनिमेशन बना करके और बाद में जिस भी एडिटिंग एप्लीकेशन में आप एडिट करते हैं उसमें ऑडियो को रिकॉर्ड करके ऐड कर सकते हैं। कहानी में एनिमेशन के साथ साथ वॉइस ओवर की भी ज़रूरत पड़ती है, तो आप चाहे वॉइस ओवर अपना पहले से तैयार रखें और फिर उसके अकॉर्डिंग एनिमेशन बनाएं, या फिर आप पहले से ही एनिमेशन बना करके और बाद में जिस भी एडिटिंग एप्लीकेशन में आप एडिट करते हैं उसमें ऑडियो को रिकॉर्ड करके ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसकी ऑडियो टाइमलाइन के थ्रू एनिमेशन बनाना सीख गए तो इससे आपको काफ़ी आसानी होगी और आपकी एनिमेशन भी आपकी वॉइस के या स्टोरी के अकॉर्डिंग
चलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले वॉइस कहानी जो है हमारी उसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो मैंने कहानी रिकॉर्ड कर ली है, छोटा सा सीन है, मैं आपको एक बार उसको सुना देता हूँ। सोनी और मोनी दोनों बहनें जंगल, सुनाता हूँ मैं आपको कहानी। सोनी और मोनी दोनों बहनें जंगल में भटक चुकी थी और भटकते हुए वो जंगल के काफी भीतर तक आ गई थी। दो मिनट की दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, तभी उन्हें किसी के आने की आगे बढ़ाता हूं धीरे-धीरे आवाज। वो दोनों और भी चाहो कोशिश की, इतने ही देर में वो नागिन उनसे बोली, ठहर जाओ। यहाँ पे हमें मुझसे डन, ये नागिन की आवाज है और जो बच्चों की आवाज है इसमें, उसमें हमें इफेक्ट ऐड करना है और उसको वॉइस चेंज करना है। उनसे बोली, दोनों बहनों के पास उस नागिन की बातों पर विश्वास करने के सिवा कोई और रास्ता भी नहीं था। जंगल से ज्यादा आपने हमारी मदद करी। चलिए अब इसके लिए इसमें से हम अपनी जो हमने ऑडियो रिकॉर्ड करी है, जो हमारी स्टोरी टेलिंग है, उसको हम अपना अलग करेंगे और जो वॉइस ओवर है नागिन के लिए और बच्चों के लिए उनको अलग अलग हम सेव करेंगे इफेक्ट डाल करके। ये एप्लीकेशन मैं स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आएंगे ऐड फ्रॉम योर डिवाइस और यहाँ पे जो हमने अपनी स्टोरी रिकॉर्ड कर रखी थी उसको हम ले लेते हैं एक बार। इसको हम यहाँ पर सोनी और मोनी दोनों बहनें जंगल में भटक चुकी थी लेकिन उनके पास आ, चलिए ये आपको आगे भी समझ में आ जाएगी, छोटी सी एक सीन है इसका। तो हम पहले अपना पार्टीशन इसको कट करने के लिए ऑडियो को हम लूप में आएंगे। लूप में देखते हैं हम कहाँ से नागिन की स्टार्ट होती है आवाज। वो दोनों और भी ज्यादा डरने लगी और उन्होंने भागने की कोशिश की, इतने ही देर में वो नागिन उनसे बोली, बस यहाँ तक हमारी नागिन की आवाज़ शुरू होगी। मतलब तो ए और बी यहाँ पे दिए गए हैं, ए मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है, बी एंडिंग पॉइंट है। तो ए तो हमारा 00 ऊपर यहाँ दिया ही हुआ है, यहाँ ऊपर आप देखेंगे ए 000 और बी के लिए हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं। बी पे टैप करेंगे तो उतना हमारा ऑडियो हो जाएगी, इसमें हमें कोई इफेक्ट नहीं डालना। तो हम इसको सिंपली एक्सपोर्ट करा देते हैं, एक्सपोर्ट करेंगे और इसका नाम दे देंगे जो भी आपको देना है। तो स्टोरी वन करके दे दिया, जो वन बाई वन, वन का वन या जो भी आपको सही लगे। मैं स्टोरी वन करके रख देता हूँ, इसको एक्सपोर्ट करा देता हूँ। इस फोन में थोड़ी रैम और इसको आप सेव कर लीजिए। न्यू फोल्डर बना लेता हूँ मैं इसके लिए, स्टोरी। यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब दोबारा से हम अपनी बैक एप्लीकेशन में बैक करते हैं, यहाँ सेव हो गई है। अब बैक आते हैं, नागिन की आवाज़ स्टार्ट करते हैं। यहाँ आने के बाद हम इसको स्टार्टिंग पॉइंट कर देते हैं, बी को हटाते हैं, यहाँ से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ठहर जाओ, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है बच्चों, मैं तुम लोगों की मदद करने आई हूँ। मुझे पता है तुम दोनों रास्ता भटक कर जंगल में आ गई हो, चलो आओ मैं तुम्हें रास्ता दिखाती हूँ। दोनों बहन, चलिए यहाँ तक ये इसकी बात खत्म हो जाती है। ठहर जाओ, तो हम लूप पर क्लिक करेंगे, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है कंट्रोल बच्चों। पाएंगे, सॉरी हमें इसमें इफेक्ट ऐड करना है, इसे पॉज करते हैं। हमें इसकी पिच थोड़ी चेंज करनी है, तो हम थोड़ी सी पिच चेंज करते हैं। ध्यान रखें कि स्पीड ना हो जाए, स्पीड इसमें चेंज ना हो, केवल हमें पिच चेंज करनी है। एक बार सुन के देखेंगे, मदद करने आई हूं, मुझे पता है तुम दोनों रास्ता भटक कर जंगल में आ गई हो, चलो आओ मैं तुम्हें रास्ता। इसको और बेटर तरीके से रिकॉर्ड करने के लिए आप अपने मुंह से थोड़ी फीमेल वॉइस निकालने की कोशिश करिए और फिर उसमें हल्का सा एक पिच इसकी थोड़ी सी बढ़ा करके इफेक्ट डाल दीजिए, तो लगभग चल जाता है इतना। काफ़ी लोग भी इस तरीके से ऑडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो चलिए मैं इसको एक्सपोर्ट करा देता हूँ। ऐसे ही अगर आपकी फीमेल वॉइस है तो आप इसकी पिच को नीचे डायरेक्शन में आप ले आएंगे तो भारी आवाज़ हो जाएगी। देखिए पतली आवाज़ को भारी, डरने की जरूरत नहीं है बच्चों, मैं तुम लोगों की। चलिए इसको सही है, ये इसे ठीक लग रही है, तो मैं इसको एक्सपोर्ट करा देता हूँ। और भी बेटर लगती है अगर मैं थोड़ी सी अपने मुंह से पतली आवाज़ निकालने की कोशिश करता और फिर उसके बाद में हल्का सा पिच इसकी बढ़ाता।
तो और बेटर हो सकती थी। चलिए स्टोरी सेकंड नेम से हम इसको से एक्सपोर्ट कर देते हैं। स्टोरी सेकंड नहीं मतलब ये पार्ट है इसका दूसरा, तो अपनी समझ के हिसाब से जैसे भी आपको ठीक लगे इसको कॉपी कर लेंगे। इसी तरीके से हम बैक आएंगे, बैक आकर के जो हमारी स्टोरी है प्लेलिस्ट में आ गए हमारी स्टोरी सॉरी ये लूप में आएंगे। लूप में अब दोनों को बंद करते हैं, यहाँ तक हो गया था, यहाँ से स्टार्ट होगा। दोनों बहनों के पास उस नागिन की कंट्रोल में आके इसको रीसेट कर लेंगे। बातों पर विश्वास करने की सकती हैं। नागिन उनको रास्ता दिखाते साथ ही चलने लगती हैं, जंगल से पहाड़ ले आती है, ज्यादा खुश होती हैं और आपका चलिए यहाँ तक ये हमारा स्टोरी टेलर है। तो इसको हम सिंपल हमें एक्सपोर्ट कराना है, इसमें कोई इफेक्ट डाला नहीं है, तो हम इसको सॉरी मैं एक बार फिर से करता हूँ, एक्सपोर्ट करा देते हैं और इसका नाम रख देते हैं। मैं नाम 123 इसलिए डाला हूँ जिससे कि हमें नेम मतलब सीन वाइज हमें ध्यान है कि हमें अब कौन सा पार्ट बनाना है, उसका कौन सी ऑडियो हमें इम्पोर्ट करानी है। ठीक है, इसको भी हम सेव कर लेते हैं और फिर दोनों को हटाते हैं। एक बार यहाँ से हम बच्चों की आवाज़ ले लेते हैं। आपका धन्यवाद, आपने हमारी ऐसे चुकाएंगे, कोई बात नहीं बच्चों। ये नागिन की भी आवाज़ आनी है और उसकी भी आनी है। ठीक है, ये मेरा फर्ज था। यहाँ थोड़ा गैप हो गया है। ठीक है, अब तुम दोनों जाओ। ये जो गैप हो गया है तो इसको भी हम एनिमेट ही कर लेंगे। आप चाहें अगर आपको आपको और इससे भी बेटर एप्लीकेशन अगर मिल जाती है ऑडियो एडिट करने की, तो आप उसमें ऐसे जो गैप जैसे यहाँ पे हो गया रिकॉर्डिंग टाइम पर, तो उसको आप हटा भी सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसी को ही एनिमेट कर दूँगा और बाद में जो एडिट करूँगा ना काइन मास्टर या किसी भी एडिटिंग एप्लीकेशन में, तो उसमें से उतना सीन कट कर दूँगा जो म्यूट होगा, मतलब जो यूज़ में नहीं होगा हमारे। चलिए ठीक है, ये मेरा फर्ज था। ठीक है, अब तुम दोनों जाओ। और ये कहकर बस यहाँ तक है, और ये कहकर मतलब यहाँ पे कहने के बाद ये हो जाती है ख़त्म। ये हमारी इतने पार्ट में हमें थोड़ा इफेक्ट डालना है, सॉरी पहले हमें इफेक्ट डाल देते हैं, थोड़ा सी पिच इसकी बढ़ा देते हैं 4 के पास में, रीसेट कर ली। आपका धन्यवाद। चलिए एक्सपोर्ट कराएंगे, इसका नेम दे देंगे स्टोरी 4। इस ऐप में और भी इफेक्ट है, ऐसे आप पीछे अगर रिवर्ब डालना चाहते हैं, गूस्टी साउंड करना चाहते हैं या फिर बेस डालना चाहते हैं, तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। आप देख लीजिएगा इसके फीचर्स को, कैसे कैसे फीचर्स दिए गए हैं इसमें। और आते हैं, फिर से आते हैं अपने इस पे लूप पर। हमारा आखिरी का पार्ट रह गया है, इन दोनों को बंद करते हैं, यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, अब तुम दोनों जाओ। बस सॉरी यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये जो हमारा पार्ट है इसमें हम इफेक्ट हटा देते हैं, रीसेट कर लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं। और ये कहकर दोनों बहनें अपने घर की ओर चली जाती हैं। चलिए इसको भी हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं, इसमें हमें कोई इफेक्ट नहीं डालना था तो मैंने इफेक्ट हटा दिया। स्टोरी फाइव या स्टोरी पार्ट 5 या जो भी आपको सही लगे उस तरह से आप नेमिंग कर सकते हैं फाइल की। कॉपी टू इंटरनल स्टोरी। ठीक है, ये 5 फाइल हमारी रेडी हो गई है, तो हम उनको सुन सकते हैं। सोनी और मोनी दोनों बहनें जंगल में भटक ठहर जाओ, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे ये तीसरा। दोनों बहनों के पास। ऐसे ही चौथा। आपका धन्यवाद। ठीक है, हमारी ऑडियो की 5 फाइल तैयार हो गई है इस सीन की। अब मैं आपको बताता हूँ इसके अकॉर्डिंग हमें एनिमेशन कैसे बना हुआ। चलिए आइए चलते हैं क्रोमा टून ऐप्स के अंदर। तो ये है हमारा डिफॉल्ट इंटरफेस, अब टैप करते हैं अवतार ऑप्शन पर। ये हमें नहीं चाहिए, हम इनको यूज नहीं करेंगे। आप अपनी जरूरत के हिसाब से देख लीजिए आपको कौन से कैरेक्टर चाहिए। मैं तो अभी फ़िलहाल SP स्पेशल कैरेक्टर्स में जो दिए गए थे मैंने पिछली वीडियो में बताया, उनको मैं लोड करूँगा वेबसाइट से।
तो ठीक है, यहाँ पे मैंने अपने की कोड सेव कर रखे हैं, जैसे कि एक हम इसका एस पी गर्ल टू का एस पी गर्ल वाला और एक नागिन वाला, ये तीन करेक्टर हम इस्तेमाल करेंगे। तो सेव कोड्स पे आप टैप करके यहाँ पे आप अपने की कोड्स और नेम सेव कर सकते हैं, इससे बार बार आपको वेबसाइट पे नहीं आना पड़ेगा। तो पहला करेक्टर हम लोड कराते हैं एस पी लिल गर्ल वाला, देखिए बैकग्राउंड में लोड हो गया है। अब दूसरे को कराते हैं, ये भी आ गया। अब तीसरा नागिन वाला और करा लेते हैं। तीनों करेक्टर हमारे आ गए हैं, अब इसको ओके करेंगे। ध्यान रखिए ओके पे टैप करने के बाद एक ऐड प्ले होगा, तो आप कोशिश करिए कि एक बार में ही जितने जरूरत के करेक्टर आपको लोड करने हैं आप लोड कर लीजिए, उसके बाद ही ओके टैप की। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कैरेक्टर्स से। यहाँ हमारी स्टोरी, हम अपनी जो ऑडियो फाइल थी उसको लोड कर लेते हैं। स्टोरी वन, सोनी और मोनी दोनों बहनें जंगल में भटक चुकी थी। इसको वो जंगल शो हाइट पे भी आप चेक कर दीजिए, इससे क्या होगा नीचे टाइमलाइन में वो पूरी स्टोरी आ जाएगी। इसे एक बार प्ले करके देख लेते हैं। सोनी और मोनी दोनों बहनें जंगल में भटक चुकी थी और भटकते हुए वो जंगल के काफी भीतर तक आ गई थी। दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, तभी उन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई दी। दोनों बहनों ने सामने की तरफ देखा, एक नागिन उनके पास आई। वो चलिए यहाँ तक सामने की तरफ देखा, यहाँ तक है ठीक है। तो यहाँ तक हम अभी ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक तो ये आएंगी, उसके बाद रुक करके यहाँ पे सामने की तरफ देखेंगी। इसके बाद इन्हें नागिन के पास आएगी और नागिन वाला मैटर यहाँ पे चलेगा ठीक है। तो हम बैकग्राउंड लोड कर लेते हैं अपना। पहले यहाँ पे बैकग्राउंड वाले बटन पर टैप किया आपने, इम्पोर्ट कस्टम बैकग्राउंड, तो हमने कस्टम बैकग्राउंड लोड कर लिया है। ये बैकग्राउंड आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे, ओके कर दीजिए। यहाँ कैमरे वाले बटन पे टैप करने के बाद आप इसको स्लाइड करके कहीं भी लेफ्ट राइट या अप डाउन कहीं भी आप इसको स्लाइड कर सकते हैं सीन को पूरे, और जूम इन जूम आउट करके आप इसको पास से देखना चाहते हैं पास से केवल फेस का, जो भी आपको जूम इन जूम आउट करना है आप पिंच या जूम फिंगर गेस्चर से इसको कर सकते हैं ठीक है। तो हमारा यहाँ तक था, ये लोग जंगल में दोनों को दिखाना है भटकते हुए, ये चलते हुए आएंगी लेफ्ट साइड से और एक जगह आके रुक जाएंगी, और ये थोड़ा सा पोर्शन होगा, सॉरी मैं कैमरा अभी ऑफ कर देता हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक का एक पोर्शन होगा। यहाँ पर ये रुक करके डरी हुई सी देखने लगेंगी, आगे पीछे को देखेंगी, उसके बाद यहाँ से नागिन का आना शुरू होगा। तो ठीक है, हम अपने सीन को पहले तो कैरेक्टर्स को पीछे ले आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नीचे आप ये भी ध्यान रखिए कि ये जो टाइमलाइन आ रही है मेन रिकॉर्डिंग के टाइम पे टाइमलाइन हटी आएगी, तो बैकग्राउंड थोड़ा नीचे तक कर लीजिए, यहाँ पर रखना है। वो कैरेक्टर को फेस करना है राइट साइड में, फ्लिप कर दीजिए आप, इसको भी आप फ्लिप कर दीजिए, और ये कैरेक्टर का साइज हमें थोड़ा छोटा कर लेते हैं दोनों का, इसका भी छोटा कर लेते हैं, बैकग्राउंड एक्चुअली ज़्यादा बड़ा नहीं है हमारा, तो इसको भी कर लेते हैं। ये दोनों छोटी लड़कियां इस तरीके से आ गई, और ये जो नागिन का कैरेक्टर था हमारा, इसको भी हम छोटा कर लेंगे। पहले देख लेते हैं कि किसका साइज कितना सही रहेगा, इनके मुकाबले इनका साइज ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा देते हैं बस, और नागिन को हम अभी अपने सीन से हटा लेते हैं, इसको पीछे कर लेंगे बिल्कुल ट्री के पास में ठीक है। तो यहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट होगी, ये दोनों चलती हुई बीच में आएंगी, चलती हुई आ रही होगी ठीक है। तो चलते हुए बनाने के लिए हम क्या करेंगे, की फ्रेम का यूज़ करेंगे, तो और हम इस चाहते हैं कि इन की फ्रेम के अंदर ये जो की फ्रेम दिए गए हैं, जैसे कि मैं आपको एक बार डिफ़ॉल्ट दिखाता हूँ, न्यू पे टैप करिए, की फ्रेम जीरो से स्टार्ट हो जाएगा, सब जो आपने सेव किया होगा सब रिमूव हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा एक तरीके से। अगर आप यहाँ पर कैरेक्टर सेव कर लेते हैं, आप एक की फ्रेम ऐड करिए, ये आपकी टाइमलाइन है, कितनी टाइम से कितना ये आपको नीचे दिखा रहा है, ये टाइम चल रहा है, इसको आप स्लो करना चाहते हैं या फास्ट, केवल इतने कुछ सेकंड के इतने पार्ट तक आप इसको सेव करना चाहते हैं या मूव कराना चाहते हैं, तो आप इसको इस तरह से स्लाइडर से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने फुल कर लिया इसे, फुल 5 सेकंड तक ये चलती हुई आएंगी, यहाँ से यहाँ तक चलेंगी, मैं की फ्रेम दूसरा ऐड कर दिया। प्ले करके देखता हूँ मैं, देखिए मैंने अभी एनिमेशन नहीं डाले हैं, वो भी मैं अभी आपको बताऊँगा। 5 सेकंड तक ही आगे खिसक के आएंगे, इनकी पोजीशन चेंज हो गई,
इसी तरीके से अगर मैं स्लाइडर को थोड़ा नीचे कर दूं, आप नीचे देखिए टाइमलाइन वाला स्लाइडर भी थोड़ा कम आगे पीछे हो रहा है, इसको मैं थोड़ा यहाँ तक तो ये बन गया जीरो पे ले आया, यानी कि यहाँ तक तो ये प्ले हो रही है, ये हमने पिछली की फ्रेम में ऐड कर रखा था। और हम थोड़ा सा इतने जरा से टाइम में इनको तुरंत जल्दी से एकदम बैक पीछे जाते हुए इनकी पोजिशन चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पर हम सेव कर देते हैं, प्ले करते हैं। पहले तो हमारा स्लाइडर दिखाएगा कि आराम आराम से आगे आई 5 सेकंड तक, फिर तुरंत 1 सेकंड के भीतर पीछे हो गई, जैसे हमने की फ्रेम सेट कर रखे हैं। यहाँ से आप की फ्रेम कम कर सकते हैं, फिर यहाँ से चाहे तो पूरा रिफ्रेश करके न्यू बना सकते हैं, ठीक है। तो हमें एनिमेशन अब इनके सेव करने की, इनके एनिमेशन भी उसमें की फ्रेम में सेव हों, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बड़ी लड़की को पीछे कर लेते हैं, इसको आगे, ठीक है, ऐसा ठीक रह गया। हम एनिम पे हमें चेक करना पड़ेगा, एनिम को हम चेक कर लेंगे तो उससे क्या होगा, ये डिफ़ॉल्ट में जो मूव है एनिमेशन है ये भी हमारा की फ्रेम में सेव होने लगेगा। तो यहाँ पे हम एनिमेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा फास्ट है दौड़ते हुए, एक वॉक करते हुए, वॉक में भी ये टॉकिंग का हो गया, सिंपली वॉक करते हुए बनाना है हमें, तो 9 नंबर का हम यूज़ कर लेते हैं। और इनके लिए भी हम 9, 12, 13 पे क्या है, स्माइल करते हुए वॉक कर रही है, 15 पे क्या है बैकग्राउंड, चलिए 9 नंबर का हम यूज़ करते हैं, ये वॉक करने का एनिमेशन इसमें ये है। तो वॉकिंग करे टाइम पे क्या करना है कि वॉक करते हुए पहला फ्रेम हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, तो 0 पे ले आते हैं, तो 0 से स्टार्ट होता है, हमने पहला फ्रेम हमने ऐड कर दिया। उसके बाद ये लड़कियाँ धीरे 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 यहाँ तक आएंगी, कहाँ पे चलना है इन्हें, ओके ठीक है, हमने पूरे 5 सेकंड कर दिए, 5 सेकंड में ये दोनों लड़कियाँ यहाँ तक आ जाएंगी। फ्रेम ऐड कर देते हैं, एक बार प्ले करके देखते हैं, ठीक है। और अभी नेक्स्ट 5 सेकंड के बाद का दिखा रहा है, यहाँ तक तो एनिमेशन बन गया हमारा, ये येलो वाला नीचे जो आ रहा है इसको देखिए आप, यहाँ तक हमारा एनिमेशन बन चुका है। उसके बाद अगर हम कहाँ तक आपको बनाना है, तो अगले 5 सेकंड का हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं की फ्रेम, यानी अगले 5 सेकंड और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ये दोनों यहाँ तक आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद हम क्या करते हैं, नाकिन अभी हमने नहीं दिखाई है, तो हम इसको जूम इन कर देते हैं, पिंच जूम कर देते हैं, ऐसे यहाँ तक आ जाएंगी दोनों, यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। एक और की फ्रेम ऐड कर देते हैं फुल, सॉरी, उसके बाद स्लाइडर है, यहाँ तक हमारा येलो बार तक हमारा एनिमेशन बन गया है, ठीक है। आप प्ले करके देखिए क्या बना है, कैमरे का मूवमेंट भी उसमें सेव हो गया होगा, जूम इन जूम आउट किया वो भी आपका प्ले होने लगेगा, ठीक है। यहाँ आने के बाद यहाँ पे उन्हें कुछ यहाँ आने के बाद क्या करते हैं, 0 पे हम 0 कर देते हैं टाइमर, कि यहाँ आने के बाद ये तुरंत रुक जाएं और कैसे रहें, ये फिलहाल डरी हुई होंगी, ठीक है। तो एनिम देख लेते हैं कौन सा आ रहा है, ये पहली का 2 नंबर का, ठीक है। इसमें नेम नहीं पड़े हैं, तो नेक्स्ट अपडेट में कोशिश करता हूँ कि नेम भी आपको एनिमेशन का यहाँ पर दिखाई देता रहे। इन कैरेक्टर्स में नहीं है वैसे सुविधा, नॉर्मल कैरेक्टर्स में आपको नेम वाइज मालूम पड़ेगा आप कौन सा एनिमेशन यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं 0 पे करके सेट कर रहा हूँ, 0 पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 2 की फ्रेम ऐड हो जाएंगे इसी जगह पे, पिछला वाला तो आपका ऐड है ही है, और यहाँ पे तुरंत उसके प्ले होने के बाद 0 सेकंड पे ही एक दूसरा प्ले हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर का मैंने ऐड कर दिया है, ये तुरंत रुक जाएंगी, खड़ी हो जाएंगी। दिखाता हूँ मैं आपको प्ले करके एक बार, और आई और यहाँ पे आके रुक जाएंगी, अब ये 4th की फ्रेम प्ले होगा, हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा एनिमेशन बन गया येलो बार तक। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं यहाँ से यहाँ तक, सॉरी जूम कराया हमने, और यहाँ पे हमने इनको बना दिया, डरी सहमी है ये, क्या करेंगी आगे पीछे की साइड में देखेंगी। नागिन को हम क्या करते हैं, हम छोटा स्क्रीन पे आ रही है हमारी, पीछे कर लेते हैं, और नागिन को भी एनिमेशन दे देते हैं, वॉकिंग वाला एनिमेशन दे देते हैं, चलती हुई आएगी ना, तो 9 नंबर का एनिमेशन था, ठीक है। अगर हम इसको स्क्रीन से हटा देते हैं, हमें अभी ज़रूरत नहीं है इसकी, थोड़ा पीछे कर लेते हैं, पीछे से चलते हुए दिखाना है, ये दोनों यहाँ पर रहेंगे, ओके। यहाँ आने के बाद ये थोड़ा बैक कर पीछे की साइड में देखेंगे, वो एनिमेशन था
डरते हुए देखना पीछे की साइड, 15 था शायद, देखते हैं फेस। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा यहाँ पे एनिमेशन दिया इतनी डिस्टेंस पे, पीछे देखेगी, फिर थोड़ा सा इतनी डिस्टेंस पे ये मैडम पीछे देखेंगी और ये वाली मैडम आगे देखेंगी। ओके, दो नंबर है, स्माइल करते हुए हो गया तो हैप्पी फेस हो गया, फोर्थ नंबर एंग्री हो गया, सेकंड, ओके ये सही है। यहाँ पर ये नहीं, यहाँ देखेंगे और तुरंत यहाँ पर इस तरीके से, चलिए यहाँ पे देखना है ना कि फ्रेम हम ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद थोड़ा सा सीन हम आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर हम कर देते हैं, ये भी आगे देखेंगे, ये भी आगे देखेंगी और इनके पास क्या होगा, ये जो नागिन है, ये नागिन वाला कैरेक्टर है, इसको हम ड्रैग करके आगे ले आते हैं। पहले इसको सेट कर लेते हैं नागिन वाले कैरेक्टर को पोजीशन, की फ्रेम आप तभी ऐड करिए जब आपका फाइनल हो जाए। यहाँ हमने सेव कर लिया, ठीक है, इनके पास आ जाती है एक नागिन। अब इसको जूम आउट हल्का सा कर लेते हैं ऐसे दिखाने के लिए, बस बैकग्राउंड से बाहर ना जाए हमारा। सॉरी, यहाँ टैप नहीं हो पा रहा था, टाइमलाइन की वजह से पता नहीं चल रहा था मुझे कि कहाँ गया उसने। ठीक है, इतनी पास तक हम ऐड करेंगे, तो ये की फ्रेम हम ऐड कर देते हैं, यहाँ हमने ऐड कर दिया। इतना होने के बाद क्या है, नागिन जो है रुक जाएंगी, तो पहले हम प्ले कर लेते हैं इतना क्या बनाया। दो लड़कियां जंगल में जा रही हैं और ये लोग यहाँ पे आके रुक जाएंगे। तभी इनके पास नागिन आएगी, नागिन चलती आ रही है, तो उसको नागिन को पहले हम रोकेंगे, एक नया की फ्रेम ऐड करेंगे जिसमें क्या करेंगे, नागिन को इसी जगह पे हम रोक देंगे। पिछले वाले की फ्रेम में यहीं पे हमारा की फ्रेम ख़त्म हुआ था, हमने अभी इसको टाइमलाइन को जीरो कर रखा है, इससे कि तुरंत नागिन यहाँ पे आके रुक जाएगी। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ आने के बाद हम यूज़ करते हैं नया की फ्रेम, हम ऐड करते हैं यहाँ से यहाँ तक, नागिन इनके पास आती है और इनको हम दिखाएंगे, कोई और एनिमेशन दिखा देते हैं। चलिए ठीक है, यही ऐड कर लेते हैं, यहाँ आने के बाद इसको ऐड करते हैं, फिर तुरंत इतनी डिस्टेंस पे मुंह खोलेंगे और डर जाएंगे। और थोड़ा हम यहाँ से लास्ट तक जूम करेंगे, जूम कर देते हैं, ठीक है, जूम करके दिखा देते हैं क्योंकि वो तो स्टोरी टेलिंग ही है अभी इसमें, और अभी कोई एनिमेशन हमें या फेशियल एनिमेशन किसी का, टॉकिंग वॉकिंग का अभी कुछ बनाना है नहीं इस सीन में, तो हम इतना ही करके इसको ख़त्म कर देते हैं, लास्ट तक ले आते हैं। थोड़ा सा कैमरा जूम इन कर रखा है, हम थोड़ा पास से दिखा देते हैं, फाइनल की फ्रेम हम ऐड कर लेते हैं, एक बार प्ले करते हैं सब। ओके, यहाँ ये रुक जाएंगे, ठीक है, अब नागिन आएगी इनके पास, अभी थोड़ी डरते हुए दिखाना है जो हमने की फ्रेम ऐड किया था एक क्लोज को। अब नागिन से बात करना शुरू कर देगी, अब हम इस इतने सीन को जो हमारा बन गया है इसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, रिकॉर्ड पे आप टैप करेंगे और रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। सोनी और मोनी दोनों बहनें जंगल में भटक चुकी थी और भटकते हुए वो जंगल के काफी भीतर तक आ गई थी। दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, तभी उन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई दी। दोनों बहनों ने सामने की तरफ देखा, एक नागिन उनके पास आई, वो दोनों और भी ज्यादा डरने लगी और उन्होंने भागने की कोशिश की। इतने ही देर में वो नागिन उनसे बोली, उसको रोकने के लिए आप नीचे जो ये आइकन दिया गया है आप यहाँ पे टैप करिए,
वीडियो आपकी सेव हो जाएगी। तो इसी तरीके से आपको अपना दूसरी ऑडियो लेकर भी नेक्स्ट पार्ट आपको सेव कर लेने हैं वीडियो फाइल। तो इस तरीके से आपके पास 5 ऑडियो हैं। हम सेकंड वाला चूज करते हैं, हम नागिन जिसमें बात करेगी, ठीक है, हम इसको भी एनिमेट कर लेंगे, कैमरा मूवमेंट यही रखेंगे और की फ्रेम आप न्यू कर लीजिए, बाकी सब हम इन सब की फ्रेम की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब हमें नागिन ने की फ्रेम बनाने हैं नई सीन के लिए, ठीक है। यहाँ से अगर आप इसको प्ले करेंगे तो वही स्टार्टिंग से प्ले होगा, इसलिए मैं न्यू कर देता हूँ इसको। न्यू करने से क्या होगा, ये सब हट जाएंगे, की फ्रेम सब हट चुके हैं, और हमें सेकंड पार्ट इसका बनाना है जिसमें नागिन इनसे बात करेगी। अब नागिन को बात करते हुए दिखाना है, टॉकिंग वाला एनिमेशन जो इसमें होगा नॉर्मली, ये आइडल है, ये शायद ये है, एंग्रीली थोड़ा कह रही है, 5 यही हम ले लेते हैं, हमें यही एनिमेशन यूज़ करते हैं, और ठीक है थोड़ा सा हम इसकी तरफ फोकस कर लेंगे, इसको जूम इन कर लेंगे और ज़्यादा पास में, ठीक है, नागिन की तरफ बस इतना रखेंगे, और थोड़ा बात करते हुए केवल हमें नागिन दिखानी है ना, तो हम इसमें की फ्रेम तो हम ऐड करते नहीं हैं, इसमें ज़्यादा की फ्रेम की जरूरत पड़ेगी नहीं हमें, तो हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं थोड़ा सा ये की फ्रेम रखते हैं हम, और ये रखते हैं हम कहाँ, 0 पे हम अपना सीन ये सेट कर लेते हैं, और थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे 5वें पे हल्का सा जूम करेंगे, हल्का सा जूम करके इधर ले आइए, इसको सेव करिए, अगले 5 सेकंड पे भी हमें हल्का सा और थोड़ा सा हल्का सा यहाँ ले आएंगे, ऐड कर लेते हैं, और नेक्स्ट 5 सेकंड पर और थोड़ा सा हल्का सा जूम कर लेते हैं इसको, और थोड़ा सा जूम, थोड़ा स्लो दिखाएंगे, और लास्ट तक के लिए, ये तो काफ़ी ज़्यादा आगे चला जाएगा, हमें यहाँ तक सीन बनाना है, यहाँ पे इसे छोड़ देते हैं, तो एक बार प्ले कर लेते हैं। क्वालिटी आपको थोड़ी इसकी रिकॉर्डिंग की क्वालिटी मैंने डल रखी है, क्योंकि मैं यहाँ पे साथ के साथ अपनी ऑडियो भी यूज़ कर रहा हूँ, आपको मैं इसका एक सैम्पल दिखा दूँगा कि किस तरीके से जो फाइल हमारी सेव हुई है वो ST में हुई है, एक बार प्ले कर लेते हैं, ये देखिए जो हमने की फ्रेम ऐड किए थे, तो की फ्रेम का यूज़ इसी तरीके से करना है आपको, आपको बेसिक समझ में आ गए होंगे। अब अपने जो भी आपको सीन अपने तैयार करने हैं, बाकी की जो सीन बचे हैं आप उनको भी सेव कर सकते हैं, आप छोटे छोटे कट सीन में आप है ना वीडियो सेव कीजिए, और बाद में आके सबको एक साथ ऐड कर दीजिए। पहले हम इसको भी सीन को भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग पर टैप करेंगे, चलिए इसे रोक देते हैं, ठीक है, और रोकने के बाद ये जो हमारे दोस्त फाइल हमारे दोस्त कटसीन है ये हमारे सेव हो गए होंगे। ऐड करते टाइम पे मैं आपको दोनों को ऐड करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके का जो अब तक हमने बनाया है वो किस तरह से आपका प्ले करेगा। सोनी और मोनी दोनों बहनें जंगल में भटक चुकी थी, और भटकते हुए वो जंगल के काफी भीतर तक आ गई थी। दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा डरी हुई थीं। तभी उन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई दी। दोनों बहनों ने सामने की तरफ देखा, एक नागिन उनके पास आई। वो दोनों और भी ज्यादा डरने लगीं और उन्होंने भागने की कोशिश की। इतने ही देर में वो नागिन उनसे बोली, ठहर जाओ, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है बच्चों, मैं तुम लोगों की मदद करने आई हूँ। मुझे पता है तुम दोनों रास्ता भटक कर जंगल में आ गई हो, चलो आओ मैं तुम्हें रास्ता दिखाती हूँ।